सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यह लोहड़ी पर्व जो हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व किसान नई फसल काटते हैं, फसल कटी हुई उनके गृहों में आती है, जो फसल कट के आती है उसको देख के किसान खुश होता है। खुशी में अग्नि के चारों तरफ फूले डालते हुए परिक्रमा करता है, गुरु महाराज का शुक्राना करता है और पूरे देश की खुशहाली के लिए अरदास करता है। दूसरा कारण, यह लोहड़ी पर्व समाज में किसी का भी नया विवाह होता है उस विवाह की खुशी में लोहड़ी पर्व मनाते हैं। दूसरा, किसी बच्चे के घर चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, आगमन की खुशी में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। सो आज अजमेर की समूह नानक नाम लेवा संगत ने धोला बाटा के तत्वाधान में क्या मतलब कोरोना काल चल रहा था, किस तरह से कोरोना काल के बीच में लोहड़ी पर्व मनाया गया? कोरोना काल के बीच में भी संगत ने लोहड़ी पर्व बड़ी श्रद्धा व उससे बनाया। जो गवर्नमेंट द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के, सैनिटाइज करके, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए संगत ने लोहड़ी पर्व बड़ी श्रद्धा से बनाया। संगत से बार बार अपील करते हैं कि ये कोरोना चल रहा है, कृपा अपना ख्याल रखो और वाहेगुरु की अरदास करो कि इस कोरोना महामारी को आप जी अंग संग साहियों के अतिशीघ्र दूर करें। समस्याएं जो हैं किसानों की, उनके लिए भी अरदास करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये तीन काले कानून आप जी ने बनाए हैं, इन तीनों कालू कानून को रद्द करते हुए जो 45 दिन से किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, इतनी भरी सर्दी में 61-62 शरीर जो शहीदी पा चुके हैं, उन चीज़ों को मुख रखो और जो कालू कानून आप जी ने बनाए हैं उस कानू कानून को रद्द करते हुए किसानों की समस्या भी दूर करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, आज जैसे कि लोहड़ी का पर्व है, सिख समाज के लिए बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। माना कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन सारे जो सिख समाज के जितने भी हम लोग हैं मेंबर्स या जो भी हैं अदर, वो भी सब मास्क पहन के आए थे। अब कुछ मेंबर आ गए हैं तो हम लोगों ने थोड़ा मास्क उतार के अपना एंजॉयमेंट भी किया और अच्छा लगा सबको। गेट टुगेदर होता है एक अच्छी से और बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तिल फुल का हमने प्रसाद बांटा। अजमेर की समूह साध संगत ने मिलजुल के लोहड़ी पर्व कोरोना काल में भी बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया। 5:30 बजे से लगातार कीर्तन दरबार सजाए गए उपरंत लोहड़ी जलाकर सरबत संगत ने नाच गाकर लोहड़ी पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया। गुरु महाराज से अरदास बेनती की और इस कोरोना महामारी को संसार से रोग मुक्त करके, सर्वत संगत को रोग मुक्त करके, सर्वत को देह रोगता तंदुरुस्त की दात बख्शे, ऐसी अरदास सर्वत साध संगत मिलजुल के की। दास भाई जगजीत सिंह नूरी हजूरी रागी, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सतसंग सभा धोला बाटा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोरोना चल रहा है पर तब भी मुझे नहीं लगता कि हमारे फेस्टिवल में किसी तरह से भी हमें लगा कि हाँ, हम लोग अपना जो गुरुद्वारे आते हैं वो रोक पाए, या फिर हम लोग जिस तरह प्रसाद में यहाँ पे अपना प्रसाद से वो एंजॉय करते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे डांस हल्का फुल्का करते हैं, वो हमने अभी भी किया। किस तरह से एंजॉय करा आप लोगों ने आज? हम लोगों ने डांस किया, मस्ती की, काफी एंजॉय। गुरुद्वारे में सबसे पहले कीर्तन हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे डीजे डांस वगैरह लोन सबने बहुत ही प्यार और साथ ही साथ इसका। और कोरोना का इस पर कोई भी असर नहीं, जिसकी रक्षा खुद भगवान करे तो वहाँ।